प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो है पढ़ाई किस प्रकार करनी चाहिए, सही तरीके से कैसे करना चाहिए। आप कंपटीशन के दौर में सभी आपसे कहते हैं और आप खुद भी अपने आप से कहते हैं कि पढ़ना है पढ़ना है, लेकिन सही तरीके से पढ़ाई ना होने के कारण बहुत सारे बच्चे लगातार चार चार पांच पांच साल तैयारी करने के बावजूद अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो पाते हैं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मेरा सभी से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो सके। तो पहली बात हम लोग जो पहला पॉइंट है कि पढ़ाई किस प्रकार करनी चाहिए। तो बच्चों पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि हमारा मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। दूसरी बात, पढ़ाई हमारी जो है वो सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कोई टॉपिक हमने पकड़ा और कठिन से शुरुआत कर दी या बीच से पढ़ना शुरू कर दिया तो वो चीजें हमें समझ में नहीं आएगी। तो मेरा ऐसा होना चाहिए कि मन पढ़ाई में अगर लगाना है तो हमें सरल से कठिन की ओर चलना चाहिए। तीसरा, दूसरा सवाल जो हमारा है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, इसको लेकर अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं और हमें किसी से कंपेयर नहीं करना है कि हमें कितना पढ़ना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके आईक्यू लेवल पे, आपकी एक्यूरेसी, आपकी जो इफिशिएंसी है वो क्या है, आपका आउटपुट क्या है पढ़ने का। कई बार आपने देखा होगा आपके साथ कई बच्चे होते हैं, आप जितना एक घंटे में काम कर रहे हो वो सामने वाला उतना दो घंटे में कर पा रहा है, या सामने वाला जितना तीन घंटे में कर रहा है आप उतना पांच घंटे में कर पा रहे हो। तो ये मायने नहीं लगता है कि आप पांच घंटे पढ़ रहे हैं या पंद्रह घंटे पढ़ रहे हैं। मेरे हिसाब से जो एक पढ़ाई कंपटीशन वाले छात्र के लिए है वो पांच घंटे पर्याप्त समय है, पांच घंटे। दूसरा डिपेंड करता है कि आपकी एफिशिएंसी पे, कि आपका आउटपुट क्या है, आपकी एफिशिएंसी क्या है, उसके हिसाब से आप, ये मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, वो अधिकतम कुछ भी, कम से कम पांच घंटे कब पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि कब पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के पढ़े तो बढ़िया रहेगा या रात को पढ़े या दिन में पढ़े। ये भी मेरे हिसाब से ये डिपेंड करता है, जो मैं करता हूँ मेरा जो है सिस्टम, मान लीजिए अगर हमें रात में दो बजे आप खुली तो दो बजे उठ के बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। रात में ऐसा एक बार अवश्य होता है कि कभी ना कभी आपकी आंख जरूर खुलती है, और जब आंख खुलती है आप महसूस करना उस समय आप अपने आप को एकदम फ्रेश महसूस, और तब अगर उठ के पढ़ाई करी जाए तो उस दो घंटे में या तीन घंटे में जो भी आउटपुट निकलेगा वो जबरदस्ती पढ़ने से तीन गुना ज्यादा होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, जबरदस्ती पढ़ने का मतलब क्या हुआ, जबरदस्ती पढ़ने का मतलब यह है कि मैंने टाइम टेबल बना रखा है या किसी का टाइम टेबल मैंने कॉपी कर लिया और मैंने ये डिसाइड किया कि मेरे को तीन बजे उठना ही है, सुबह तीन बजे उठना है। अब मेरी आंख को दो बजे खुली थी या एक बजे खुली थी आंख मेरी, मैं जगा था एक बजे, अब जो है मैं उस समय उठा नहीं कि हमारा जो अलार्म है वो तीन बजे बजेगा, और तीन बजे जब उठ रहे थे तो दोबारा नींद का चक्कर आ गया और हमें हम उसमें भयंकर नींद में थे। तो एक बार दो बार तीन बार में जगे, मुंह धुल के बैठे, लेकिन उस समय पढ़ाई में वो मन नहीं लग रहा होगा, ना ही मन को सोने का कर रहा होगा उसमें। इसलिए जब आपका मन करे पढ़ाई तब करनी है। हाँ, आप घंटे डिसाइड कर लीजिए कि आज के दिन में हमें पांच घंटे पढ़ना है, प्रतिदिन तो पढ़ना है, घंटे पांच आप लीजिए। पहली बात ये हो गया, पढ़ते समय क्या क्या गलतियां होती हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि पढ़ते समय क्या क्या गलतियां होती हैं। आज के दौर में बच्चों ऐसा हो गया है कि कोई चीज हमें समझ नहीं आई तो हम जबरदस्ती रटने का प्रयास करते हैं उसको, या हमें जो पसंद है हम उसी को पढ़ते रहते हैं, जो चीज हमें पसंद है हम उसे उसी उसी को पढ़ते रहते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को मैथ आ रही है तो मैथ लगाता रहेगा, किसी को हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है तो वो हिस्ट्री पढ़ता रहेगा, किसी को कुछ विशेष टॉपिक जो हमें नहीं आ रहे जो हमारे छुटे हुए हम उन पर मेहनत नहीं करते हैं, हम उन पे मेहनत नहीं करते हैं, पहली बात तो ये होगी। तो ये दो गलतियां होती हैं पढ़ने में बच्चों से। और
तीसरी बात यह है कि हमारा बिना सिलेबस के या बिना पाठ्यक्रम के हम तैयारी करने जा रहे हैं। कोई पेपर आना है उसका पाठ्यक्रम ना देख के हम ऐसे ही तैयारी कर रहे हैं या ऐसे ही बिना मोटिव के तैयारी जा रहे हैं। हम कोचिंग करने तो आ रहे हैं लेकिन हमारा कोई मोटिव नहीं है, कोई लक्ष्य डिसाइड नहीं है कि इधर आ जाएगा या इधर आ जाएगा या इधर, कहीं भी एयरफोर्स भी चला जाएगा, नेवी भी हो जाएगा। एक एग्जाम आप डिसाइड करिए कि मेरे को इधर ही जाना है। एक समय में कई लोगों का मानना है कि सारी तैयारी सेम होती है, लेकिन नहीं, आप एक ही विकल्प रखिए। जब आप अपने पास विकल्प बना के रखते हो ना कि ऐसा भी कर सकते हैं ऐसा भी कर सकते हैं, तो आपका मन जो है वो 100% एक जगह नहीं लग रहा होता है। इसलिए आप टारगेट आपका डिसाइड होना चाहिए कि यही हमको करना है, यही पे चाहिए हमको, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के विषय में। बहुत सारे बच्चे हैं इस चीज से बचते रहते हैं। जैसे कि क्या है, क्या पढ़े और क्या ना पढ़े। आपने कोई तैयारी कर रहे हैं, आप उसका पाठ्यक्रम निकालिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस का क्या वेटेज है, कौन सा टॉपिक किस हिसाब से आ रहा है, उसको उसी हिसाब से तैयार करना है। जो भी टॉपिक है अगर ज्यादा मात्रा में आ रहा है तो उसको अच्छे से तैयार करना है, रिविजन करना है। समय अगर आपके पास है तो पहले पढ़िए, फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए। आप शॉर्ट नोट्स अपने आजकल का चलन है बच्चों का कि ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह से या कहीं से आपको किसी टीचर के बने हुए नोट्स आपको मिल गए और आपने उन्हीं की फोटो कॉपी करा ली। बच्चों यही गलती होती है, जो टीचर ने नोट्स बनाए वो अपने समझ के अपने हिसाब से बनाए, उनकी समझ और आपकी समझ में एक गैप है, एक अंतर है। आप जो है किसी दूसरे के नोट से आपके समझ में उतनी बातें नहीं आएंगी जितना आप खुद के नोट्स बनाने से कर सकते हो। तो प्रयास आपका यह होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स अगर आपके पास समय है तो आप अपनी राइटिंग में और अपनी भाषा में, भले ही आप आज के युग में इतने सारे बेहतरीन टीचर यूट्यूब पे या ऑफलाइन तरीके से आपको मिल जाएंगे, बस आपको करना क्या है, उनकी बात को सुनना है और फिर उससे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं अपनी भाषा में। नोट्स का मतलब ये है कि हमारा लिखा हुआ है ये हमारे लिए कंफर्टेबल है, जिस टीचर ने नोट्स बनाए हैं वो उनके लिए कंफर्टेबल है, उन्होंने अपनी भाषा में लिखा है आपको समझाने के लिए। अब आपको अगर अच्छे से तैयार करना है तो आपको अपनी भाषा में अपने नोट्स बनाने होंगे शॉर्ट में, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। और ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको 100% सफलता मिलेगी। और अगर हमारी बातें अच्छी लगी हैं तो चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और अपने प्रतियोगी जो भी आपके दोस्त और भाई बहन तैयारी कर रहे हैं उन सब तक फॉरवर्ड करिए।